नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फारिक और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन। और आज इस बुलेटिन में पहली बड़ी खबर इटावा से आ रही है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को लेकर। दरअसल इटावा के बसरेहर के एक स्वास्थ्य केंद्र पर चौबिया निवासी संगीता देवी उम्र 35 साल जो कि अपना नसबंदी का ऑपरेशन कराने स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, जहां इटावा के जिला अस्पताल से पहुंचे सरकारी डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के दौरान उस महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसे आनन फानन में सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है, जहाँ उस महिला की मौत हो जाती है। परिजनों का कहना है कि महिला ऑपरेशन से पहले पूरी तरह से स्वस्थ थी। तीन बच्चों की मां संगीता नसबंदी का ऑपरेशन कराने बसरेहर जाती है, जहां जिला अस्पताल से पहुंचे एक डॉक्टर ने लापरवाही के चलते संगीता के ऑपरेशन में अपनी लापरवाही दिखाई, जिससे उसके पेट की एक नस कट जाती है। अधिक ब्लीडिंग होने के चलते संगीता की सैफई में मौत आ जाती है। इस बारे में डिप्टी सीएमओ का कहना है कि जांच कर उस लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है यूपी बोर्ड की आने वाली 16 फरवरी से परीक्षा को लेकर, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, जहां से जनपद के 73 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की जाएगी। नकल विहीन परीक्षा को कराने के लेकर जिले में 73 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 14 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ एक बड़ी बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि नकल विहीन परीक्षा को रोकने के लिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है, और जिस तरह से नकल को लेकर जो नकल माफिया अगर इस परीक्षा में अपना व्यवधान पैदा करेंगे, तो उन पर एनएसए लगाकर उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में 73 परीक्षा केंद्रों पर 46,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जुड़ी है बसरेहर के चकवा खुर्द से, जहां एक 35 वर्षीय युवक को किशोरी से छेड़छाड़ करने के शक के आरोप में गांव के ही दो सगे भाइयों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को गायब कर दिया गया, जिसके बाद मृतक की पत्नी बसरेहर थाने पहुंचती है एवं एक तहरीर देती है, जिसमें बताया जाता है कि उसके पति कन्हैया की गाँव के ही दो सगे भाइयों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी, उसके बाद उसके शव को गायब कर दिया। इस बारे में एसपी ग्रामीण सतपाल सिंह ने का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस टीम जुटी हुई है, जल्दी इसमें कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी इटावा की तीन बड़ी खबरें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।